तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी देखो, आज है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती। तो अभी हम जाने वाले हैं भाई रैली में, चलते हैं वहाँ का नज़ारा देखते हैं। लेकिन मैं आज ना बाइक वगैरह कुछ भी लेके जाने वाला नहीं हूँ भाई, मैं चल के जाऊँगा। रैली है ना, तो रैली में चल के जाना पड़ता है भाई। डीजे वगैरह होगा, डांस वगैरह होगा, देखते हैं सब कुछ। चलिए दोस्तों, मैंने देखिए अपना माइक भी अपने साथ में ले रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि भाई वहाँ पर बहुत सारा नॉइस होगा, बहुत सारा। तो मैंने सोचा कि भाई अपनी जो आवाज़ है ना क्लियरली आप तक पहुंचे, इसलिए मैं अभी माइक भी साथ में लेके जा रहा हूँ। वरना तो माइक मैं ऐसे यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे समय के लिए मैंने अपने पास माइक रखा हुआ है। खेल लड़ाई हो रही है। वो तो गाइस, आधे रास्ते तक हम पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ी देर चलेंगे तो और ज़्यादा आगे पहुंचाएंगे। और देखिए, डीजे की आवाज़ तो मुझे सुनाई दे रही है, आपको सुनाई दे रही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे सुनाई दे रही है। और आवाज़ का पीछा करके मैं पहुंचूंगा भाई, उधर जाना है, उधर से आवाज़ आ रही है, चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर झंडे को फहरा रहे हैं और जय भीम के नारों से अब ये पूरा माहौल गूंज उठेगा थोड़े ही समय में। तो गाइस देखिए, बाबा साहेब की रैली निकल चुकी है। ये देखिए, धीरे धीरे पब्लिक भी बढ़ती जा रही है। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर पुलिस वगैरह का भी बंदोबस्त लग चुका है सेफ्टी के लिए। और देखो यहाँ पर ये रैली अभी शुरू हो चुकी है। जय भीम के नारे लगाते हुए पब्लिक अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी दोस्तों। और देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि दूर दूर तक लोग फैले हुए हैं भाई। नीले नीले रंग में रंग चुके हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं तो वहां से बहुत ज्यादा आगे चला आया पहले ही, और मैं आया हूँ लिमड़ा चौक में, यहाँ पर लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा व्यू, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा पहले के मुकाबले। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो सिक्योरिटी किस तरह से यहाँ पर रखी गई है। अभी देखिए, सबने जैसा कि देखा कि बहुत 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 ही ज्यादा उल्लास के साथ, खुशी के साथ, नाच गाने के साथ यहाँ पर बाबा साहेब की रैली मनाई जा रही है। तो अभी और देखते हैं भाई, और भी तो नजारा देखने के बाकी है। और मनाई भी क्यों नहीं जाए, अरे भाई अपने देश के
पूरे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन दाता है वो। चलिए वो जो भी काम इन्होंने करके दिखाया ना, शायद दुनिया में कोई नहीं कर पाता भाई। जो काम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और सबको समानता का अधिकार देना, ये काम जिन्होंने करके दिखाया ना, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अरे भाई उनके जैसा कोई बन भी नहीं सकता और उनके जैसा काम कोई कर भी नहीं सकता। अभी हम घर पहुंच चुके हैं वापस। तो भाई लोग अभी भाई आ गए हैं घर पे, मुंह भू वगैरह धो के हम फ्रेश हो चुके हैं, लेकिन बहुत से थक चुके हैं, तो थोड़े देर के लिए हम कर लेते हैं आराम। तो गाइस लंच में है रोटी, मिर्ची, ये सब्जी है, अचार, गुड़ और छाछ। क्या बनाना चाहते हो तुम? क्या बनाना चाहते हो? मैं बागी बनना चाहता हूँ। बागी बनना चाहता हूँ। मैं बागी का भाई बनना चाहता हूँ। जी है मेरा भाई और ये मेरे गुंडे शक्तिमान के बच्चे। मैं तो बागी बन। अभी यहाँ पर एक गेम खेलने वाले हैं। हंसा होगा जो भी हंसेगा वो आउट। ठीक है करो। ठीक है मैं आता हूँ। ये भाई गया, ये इसने हंस लिया। बोला गया गया ये गया। ये भाई तेरी मौत जा रही है। ये तू क्या कर रहा है बच्चे के जैसे। ये गया गया ये असली है। ये भाई पापा तू ना पर ये हंस रहा है। कब से हंस रहा है ये।
स्माइल है थोड़ी, थोड़ी चल रहा मुंह में क्या दुख रहा है। भाई भाई जल्दी बाहर आ जल्दी। ओ भाई 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 जल्दी निकला। तो गाइस डिनर में है बाहर से जो मैं पाव भाजी लेकर आया हूँ और साथ में थोड़ी सी रोटी। तो गाइस आपने देखा कि बहुत सारे नाच गाने के साथ आज हमने बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई और उसके बाद थोड़ी सी मस्ती की बच्चों के साथ। और अभी आज का व्लॉग था यहीं तक का। अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।